Hello friends, this is UPSC Connect. So, the lesson is on Red Book Data. IUCN Red List or Red Data List or Red Book. जो ये IUCN Red List of Threatened Species है, it was founded in 1964. और ये ग्लोबल इन्वेंटरी है जिसमें सारे बायोलॉजिकल स्पीशीज के कंजर्वेशन स्टेटस मेंशनड है. और जो ये टर्म है थ्रेटेंड, इसको तीन कैटेगरीज में ग्रुप करा गया है. फर्स्ट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सेकेंड इज एंडेंजर्ड एंड थर्ड इज वनरेबल. और जो पिंक पेजेस है इन दिस पब्लिकेशन, उसमें सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इंक्लूडेड हैं. और जैसे जैसे स्पीशीज का स्टेटस चेंज होता है, वैसे वैसे न्यू पेजेस सेंड करे जाते हैं सब्सक्राइबर्स को. और जो ग्रीन पेजेस है उसमें वो सारे स्पीशीज इंक्लूडेड हैं दैट वर फॉर्मली एंडेंजर्ड, बट नाउ दे हैव रिकवर्ड टू अ पॉइंट वेयर दे आर नो लॉन्गर थ्रेटन्ड. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे पिंक पेजेस इंक्रीज होते गए और ग्रीन पेजेस बहुत ही कम है. सैंगाई ब्राओ एंटलर डियर, ये ब्राओ एंटलर डियर का एक एंडेमिक और रेयर सब स्पीशीज है जो कि मणिपुर में पाया जाता है. और ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है. और जो इसका हैबिटेट है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मार्शी वेटलैंड ऑफ काइबू लामजाओ ओवर द फ्लोटिंग बायोमास इन लोकटक लेक विच इज लोकली कॉल्ड पुमडी. और जब ये डियर फ्लोटिंग बायोमास पे चलता है तो ये अपने आप को बैलेंस करता है. और ऐसा लगता है कि जो ग्रीन ग्रासलैंड है उस पे डांस कर रहा है. एंड इट इज देयर फॉर पॉपुलरली कॉल्ड एज डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर. IUCN ने इसको एंडेंजर्ड क्लासीफाई करा है. और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने जो एक रिकवरी प्रोग्राम ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और हैबिटेट चलाया है, वो इसका पार्ट है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट लोकटक लेक. ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि मणिपुर में लोकेटेड है. और ये पुमडीज के लिए फेमस है, विच इज हेटरोजीनियस मास ऑफ वेजिटेशन, सॉयल एंड ऑर्गेनिक मैटर. और इस पे काफी स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन फ्लोट करते हैं. और काइबू लामजाओ पूरे वर्ल्ड का एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये लोकेटेड है नियर मोयरांग इन मणिपुर. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स पर्टिकुलरली पार्ट्स ऑफ राजस्थान में पाया जाता है और ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है. एंड इट इज वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स. और इसको IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लासीफाई करा हुआ है. और मेन रीजन जो है इसके डिप्लीशन का, दैट इज डिप्लीटिंग हैबिटेट विच इज स्पेशली ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रूजन्स. और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है. कश्मीर रेड स्टैग, कश्मीरी रेड स्टैग और हंगुल अपने जाइंट्स एंटलर्स के लिए जाना जाता है, जिसमें 11 से लेकर 16 तक पॉइंट्स होते हैं. और ये सिर्फ ग्रेटर धचीगाम लैंडस्केप विच एनकम्पासेस द धचीगाम नेशनल पार्क एंड एडजॉइनिंग प्रोटेक्टेड एरियाज में ही पाया जाता है. एंड इट इज वन ऑफ द थ्री क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इन जम्मू एंड कश्मीर. और जो बाकी दो हैं वो है मारखोर एंड द तिब्बतियन एंटीलोप और चीरू. और इसको स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया था इन 1980s. ये शेड्यूल वन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड JNK वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 में लिस्टेड है. एंड इट इज ऑल्सो बीन लिस्टेड अमंग द टॉप 15 स्पीसीज ऑफ हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑलिव रिडली, ये सी टर्टल स्पीशीज में सबसे छोटे और सबसे ज्यादा अबेंडेंट है. एंड दे आर ओमनीवोर्स, मतलब ये प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. और इनका जो शेल है वो हार्ट शेप्ड होता है और ऑलिव ग्रीन कलर का होता है. और ये वार्मर वाटर में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द सदर्न अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस. और ये अरीबाडास के लिए जाने जाते हैं, विच इज सिंक्रोनाइज्ड मास नेस्टिंग, मतलब एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं. और इस टाइम में बहुत सारी फीमेल्स शोर पर आ जाती हैं टू नेस्ट इन द स्पैम ऑफ अ फ्यू डेज. गहीर मथा जो कि भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड है, दैट इज इन ओरिसा, इट हाउसेज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट ऑफ दीज टर्टल्स. और कुछ सालों से जो होप आइलैंड का सैंडी स्ट्रेच है ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, इट हैज ऑल्सो इमर्ज एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दीज टर्टल्स. और इन टर्टल्स का जो ब्रीडिंग सीजन है, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू फेब्रवरी, जब फीमेल्स एक बारे में 100 से 150 एग्स ले करती हैं.
और हाई पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इनका जो नंबर है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया है और इनको IUCN रेड लिस्ट ने वनरेबल क्लासिफाई करा है और ये शेड्यूल 1 स्पीशीज इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड है और इनको इसकी वजह से मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है। एंड दीज आर द ऑलिव रिडली टर्टल्स, बोर्नियन ओरांगुटान। ये ओरांगुटान के स्पीशीज है और बोर्नियो आइलैंड के नेटिव हैं। इट बिलोंग्स टू द ओनली जीनस ऑफ ग्रेट एप्स विच आर नेटिव टू एशिया और बाकी अदर ग्रेट ग्रेट एप्स की तरह ये जो ओरांगुटन है ये हाईली इंटेलिजेंट क्रिएचर्स हैं एंड दे डिस्प्ले एडवांस टूल यूज एंड डिस्टिंक्ट कल्चर पैटर्न्स इन द वाइल्ड। और IUCN ने इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में क्लासिफाई करा गया है। इरावाडी डॉल्फिन्स, इनको स्नब फिन डॉल्फिन्स भी कहते हैं और ये नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल जो कि इंडिया में है यहां से लेकर साउथ ऑफ इंडोनेशिया तक पाए जाते हैं। एंड व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स, इंसिडेंटल मोर्टैलिटी इन गिलनेट्स एंड अदर फिशरीज गेयर। और गिलनेट एक फिशिंग एक्टिविटी है, माइनिंग एग्जाम्पल सैंड ग्रेवल माइनिंग एक्सेट्रा, लाइव कैप्चर्स फॉर डिस्प्ले पर्पजेस एक्सेट्रा। और जो IUCN रेड लिस्ट है उन्होंने इस स्पीशीज को वल्नरेबल स्पीशीज क्लासिफाई करा गया है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉन्ट मोर एक्सप्लेन कंटेंट लाइक दिस देन डू लाइक एंड शेयर इट। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।